हेलो। चलिए, आवाज़ आ रही है सभी को? एक दफ़ा आप सारे बच्चे बता देंगे कि जो है साउंड जो है वो क्लियर है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ हेलो, एक बार आप सारे बच्चे बता देंगे साउंड है, साउंड जो है वो आ रहा है आप लोगों को? ठीक है ठीक है, ओके। हाँ तो बच्चे, मैं ये बता रहा था कि ये हमारा सुपर 40 सेशन का डे 7 है, और इसमें बच्चे हम लोग बायो करने वाले हैं और केमिस्ट्री करने वाले हैं। और आज का टॉपिक बच्चे हमारा क्या है? आज का टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और केमिस्ट्री से हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट होगा। ठीक है, ओके। चलिए, अब सभी बच्चों का आवाज़ जो है वो आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं, होता रहता है। रियाज अहमद, ऋषभ, हुजैफा, सारे बच्चे बोले कि साउंड इज़ क्लियर। ठीक है, तो बच्चे सेशन स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चे एक दफ़ा क्या करिए, जो नए बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और सेशन स्टार्ट होने से पहले, यानी कि क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होने से पहले, आप लोग सारे बच्चे एक बार क्या करेंगे, लाइक बटन को ज़रा जा करके प्रेस कर देंगे। ठीक है, उसमें जो है वो टाइम लगेगा नहीं और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, और शेयर कर दें ताकि अभी जितने बच्चे हैं और भी ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएँ और सेशन जो हो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए और मज़ा आने आए हम लोगों को करने में। हाँ, मोनिका शर्मा पूछ रहे कि सर आपके घर पे आज क्या बना है? अच्छा, हाँ तो जो है वो पार्टी वार्टी जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है आप लोग अभी पढ़ाई पे फोकस करेंगे, और आप लोग परवेश सर को मैसेज कर दीजिए। ठीक है, कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, है ना, वो मेरा नंबर है बच्चे। ठीक है, तो सर को मैसेज करो और कमेंट करेंगे सेशन एंड होने के बाद आप लोग सारे बच्चे एक दफ़ा कि आपको कैसा लगा सेशन। ठीक है, हाँ बायोलॉजी पहले होगा बच्चे। ठीक है, बायो पहले होगा, ओके। एक दफ़ा आप लोग जो है एएमयू में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो पार्टी मेरी तरफ से। ठीक है, जो बच्चे पटना आएंगे उसको मेरी तरफ से पार्टी। ठीक है, सारे बच्चों को जिसका जिसका सिलेक्शन होगा, और जिसका सिलेक्शन नहीं होगा उसको बेस्ट ऑफ लक है ना। और जिसका जो भाई बच्चे मेहनत करेंगे तो उसको तो पार्टी बनता है ना। चलिए बच्चे, और बिना रुके हम लोग जो है टाइम वेस्ट किए अब सेशन का जो है वो आगाज़ करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये बायो का है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, यानी अमीबा का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछा जा रहा है बच्चे। कुछ बच्चे बोले सर बायो होगा या केमिस्ट्री। अरे पहला सवाल यहां पर जब देंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, और दे दिया है मैंने। और जो पटना से नहीं है तो जब हम अलीगढ़ आएंगे तब पार्टी देंगे आप लोगों को। ठीक है, कौन पूछ रहे हैं? रियाज अहमद, हम जो है अलीगढ़ आएंगे आपसे मिलने के लिए, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो जब मेरा जाना होगा अलीगढ़ तो आप लोग से बिल्कुल मिलना होगा। और वन का बी आंसर कर रहे हैं सारे बच्चे, बहुत खूब। हाँ भाई, सारे बच्चे जो हैं वो आंसर करना शुरू कर दिए हैं। और हुज़ैफ़ा का, और कौन है भाई, अमीरुद्दीन, सूफिया, ऋषभ, नाजनीन चौधरी, राशिद हुसैन, आयशा, मोनिका, और कौन है भाई, हुज़ैफ़ा फरीद। अच्छा, हम तो अलीगढ़ से हैं, तो हुज़ैफ़ा फरीद आप अलीगढ़ से हैं तो आपसे अलीगढ़ मिलने के लिए ज़रूर आएंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, ओके। और सारे बच्चे ने आंसर कर दिया है बी, एंड बी इज़ द राइट आंसर। बाइनरी फ्यूजन करता है अमीबा, है ना, अपने आप को दो हिस्सों में बांट देता है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है? अपने आप को बांटना, है ना, हिस्सा करना, डिवाइड करना, फ्यूजन का मतलब। और बाइनरी का मतलब दो होता है, तो दो हिस्सों में बांट देगा अमीबा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, येस्ट एंड स्पायरोगायरा इज दैट,
बताइए भाई, कौन सा फीचर है रिप्रोडक्शन का जो कॉमन है अमीबा में, यीस्ट में, स्पायरो वगैरह में? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, दे रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली, दे आर ऑल यूनिसेलुलर एंड दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्चुअली, और दे आर ऑल मल्टी सेलुलर। आंसर करो बच्चे। हाँ तो तौहीद खान, जब आप अलीगढ़ में रहेंगे तब आपसे मिलने के लिए आएंगे, ठीक है? लखनऊ नहीं जाना होगा, बहुत, अगर कभी बाई चांस अगर मौका मिले तो बिल्कुल। टू का आंसर करेंगे भाई, कौन सा रिप्रोडक्शन का फीचर है भाई जो अमीबा, यस्ट और स्पायरो वगैरह में कॉमन है? और सारे बच्चे ए आंसर करना शुरू कर दिए हैं, बहुत खूब। चलिए, मिराज खान ए के साथ बहुत सारा जो है वो हार्ट भेज रहे हैं, है ना? इंसान के पास एक ही दिल होता है और आप इतने सारे दिल दे रहे हो, दैट मीन्स कि बहुत सारे लोगों को छीन के दे रहे हो। चलिए, और इसका सही आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए है, क्योंकि ये सारे जो है ए सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है बच्चे? अमीबा, यीस्ट और स्पायरो वगैरह का, ये जो है वो रिप्रोड्यूस ए सेक्चुअली करते हैं, ठीक है? इस ए सेक्चुअल और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस, जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की जरूरत होती है, और ए सेक्चुअल में एक ही पेरेंट से हमारा रिप्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इंटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। अब यानी कि यहाँ प्लाज्मोडियम का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है बच्चे, प्लाज्मोडियम का क्या होगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, बडिंग, बी है मल्टीपल फ्यूजन, और सी है बाइनरी फ्यूजन, और डी है रिडक्शन डिवीजन। बताइए इसका आंसर। 23 का आंसर करेंगे सारे बच्चे। जब आप बुलाएंगे बिलाल अहमद तो कश्मीर भी आ जाएंगे, ठीक है? चलिए, और 3 का जो है सारे बच्चे आंसर करना शुरू कर दिए हैं, बी। अच्छा, प्लाज्मोडियम क्या करता है भाई? मल्टीपल फ्यूजन करता है ना? प्लाज्मोडियम क्या करता है? मल्टीपल फ्यूजन करता है, एंड बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रायोफिलम कैन बी प्रोपेगेटेड विजिटेटिवली बाई द, यानी कि ब्रायोफिलम का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो भाई किसके जरिए करता है? हम लोगों को पता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो किसके जरिए होता है? स्टेम के जरिए होता है, लीफ के जरिए होता है, और रूट के जरिए होता है। तो ब्रायोफिलम जो है वो किसके थ्रू करेगा? स्टेम के जरिए करेगा, लीफ के जरिए करेगा, रूट के जरिए करेगा, या फ्लावर के जरिए करेगा? सूफिया बोलिए, सर तो मेरा घर कब आ रहे हैं बिहार? बिहार में ही है, अपना लोकेशन सेंड करो, हम पहुंच जाते हैं। ओके, और सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं बी, लीफ। लीफ के जरिए जो है ब्रायोफिलम जो है रिप्रोडक्शन करता है उसका बच्चे। इस तरीके से कुछ इस तरीके से जो होता है डायग्राम होता है लीफ का, बता देते हैं, दिखा देते हैं। और यहाँ ये अगर हमारा अर्थ पे अगर पड़ा रहेगा ये लीफ, तो यहाँ से जो होता है दूसरा पौधा प्लांट बनना शुरू हो जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना? इस तरीके से। तो ये वाला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो ब्रायोफिलम का किसके जरिए कर रहा है? लीफ के जरिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन भाई न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन तो करता है, लेकिन कैसे करता है, किससे करता है, वो चीज़ पूछी जा रही है। और सवाल आपके और ऑप्शन आपके सामने दिया गया, स्टेम है फ्लावर्स एंड फ्रूट, बी ऑप्शन में है स्टेम लीव्स एंड फ्लावर्स, सी में है स्टेम रूट्स एंड फ्लावर्स, और डी है स्टेम रूट्स एंड लीव्स। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर करेंगे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और सबसे पहले आंसर देखो किसने, सादिक ने किया है, और बाकी सारे बच्चे कर रहे हैं भाई। तौहीद है, आयशा है, नाजनी है, और कौन है भाई, मोनिका, ऋषभ,
रियाज एडिशनल गेमिंग, राशिद हुसैन, कोस्टा खान, कोस्टा खान भाई बड़ा अजीब नाम है, दो बार कोस्टा खान, कोस्टा खान। चलिए, और इसका सही आंसर बच्चे डी है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो स्टेम के थ्रू होगा, रूट्स के थ्रू होगा और लीव्स के थ्रू होगा, ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, ये नेचुरली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस बाई, पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होगा, किसके थ्रू होगा, रूट के जरिए होगा, लीफ के जरिए होगा, स्टेम ट्यूबर के जरिए होगा या ग्राफ्टिंग के जरिए होगा, इसका आंसर करो बच्चे। इसका सारे बच्चे आंसर करेंगे कि इन अ पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस बाई रूट, लीफ, स्टेम ट्यूबर या ग्राफ्टिंग। हाँ सोफिया ने, आपने भी किया था, बिल्कुल किया था। इसका आंसर करो, सिक्स का आंसर करो, ठीक है। मुझे एक नाम बहुत पसंद आ रहा है, कोस्टा खान, कोस्टा खान भाई, इसका मतलब बता दो क्या है इसका भाई, कोस्टा का मतलब क्या है इस नाम का, मुझे मतलब चाहिए, कोस्टा खान। बाकी सारे बच्चे जो है वो आंसर करना शुरू कर दिए, और सी आंसर आ रहा है, स्टीम ट्यूबर के थ्रू, है ना, पोटैटो में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पायरोगैरा रिप्रोड्यूस बाय, स्पायरोगैरा किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन या फिजन, बताइए इसका आंसर। ओके, अमित शाह ने बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दिया है रूट, लेकिन बच्चे अमित शाह आपका जो है ये गलत हो गया आंसर, रूट नहीं होता, स्टेम ट्यूबर होगा, ठीक है। सेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर करोगे, नहीं, आपका भी नाम बहुत अच्छा है मोनिका जी, ठीक है। मारूफ इमाम ने सी किया है, आसमा जमील सी, शागिल निशात, आसिफ प्रदीप, नाजनीन ऋषभ, हिमांशु तौहीद, सादिया कोस्टा, आयशा ताहिर, आयम खान, फहीम, आमिरुद्दीन, फैजान अली। चलिए, इन सारे बच्चे जो हैं ये आंसर कर रहे हैं सी, और कुछ बच्चे बी भी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, कुछ सी आंसर कर रहे हैं, और जो है ये मिक्स हो रहा है। तो देखिए भाई, डिसाइड कर लीजिए आप लोग, अब जो मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, आंसर जो है वो बी है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू स्पायरोगैरा रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के जरिए करेगा। तो जिन बच्चों का बी है वो बिल्कुल सही है, और जिन बच्चों का सी है वो बिल्कुल गलत है। ओके बच्चे, और आप लोगों का क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कराने का क्या मतलब मोटो है मेरा, मेरा यही मोटो है कि आप लोग क्वेश्चन सेशन करने के बाद वो चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। हम जो 40 दिन रोज नया नया चैप्टर का आप लोगों को एमसीक्यू सेशन करा रहे हैं, ये क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो, आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें हम कमी निकालना चाह रहे हैं, है ना, उसमें हम पता लगाना चाह रहे हैं कि आप लोग कहाँ पर जो है आप अटक रहे हैं, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको पता चले कि यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, वो चीज़ जाकर रिवाइज करोगे। तो ये होता है अच्छे से प्रिपरेशन करने का तरीका, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन सेशन रोज ज्वाइन कर रहे हैं और गलती हो रहा है फिर भी हम वो चैप्टर खोल के रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए बच्चे, ठीक है। बाद में ये नहीं कहना कि शादाब सर ने जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं कराया, ठीक है, सारा ब्लेम जो है वो हमारे ऊपर आएगा, ठीक है। तो बच्चे जो है क्लास में, जो है क्लास में वही एक ही टीचर पढ़ाता है, कुछ बच्चे फेल भी आ जाते हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट भी आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि टीचर में कमी है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट फोकस नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जास्मिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस व्हाट, यानी कि बनाना है, रोज है, जास्मिन है, ऑरेंज है, ये किस चीज का कैपेसिटी खो देता है, क्या चीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो देता है। ऑप्शंस आपके सामने है, सीड्स, बर्ड्स, फ्लावर या रूट्स, आंसर करो बच्चे। सना अंजुम, हाउ आर यू सर, आई एम फाइन, अपना बताइए बच्चे आप कैसे हो। वालेकुम अस्सलाम सना, वसीम खान बोल रहे हैं कि सर हम भी हैं, हमारा भी नाम लीजिए, बिल्कुल लेंगे, कभी नहीं ले रहे हैं, वसीम अकरम,
ले लिया भाई वसीम अकरम का नाम। अब वसीम अकरम मुझे लगता है कि एक लड़की है जिसका नाम अफसाना है, अगर मेरा गेस सही है तो, किसी ने मुझे बताया था। ओके अब्दुल वासिक, वालेकुम असलाम बच्चे। चलिए भाई इसका आंसर करेंगे, और सारे बच्चे क्या आंसर करें, कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, कुछ सी आंसर कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ए कुछ सी, कंफ्यूजन तो आप लोग पढ़ेंगे है ना, दैट मीन्स कि आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को रिवाइज करने की ज़रूरत है सारे बच्चों को। ऐसा नहीं कि जिन बच्चों ने सही आंसर करे वो रिवाइज नहीं करेंगे, वो भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सीड का जो है, सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो है, ये रोज, जैस्मिन, ऑरेंज है ना, ये खो देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फ्लावर ऑफ द हेबिस्कस प्लांट, हेबिस्कस प्लांट का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है बच्चे, बाइसेक्चुअल होगा, यूनिसेक्चुअल होगा, न्यूटर होगा, या वेरी स्मॉल होगा। बाइसेक्सुअल का मतलब होगा, इसका मतलब ये होता है कि उसमें दोनों पार्ट होगा, फीमेल भी पार्ट होगा और मेल पार्ट भी होगा। यूनिसेक्सुअल में सिर्फ एक ही होगा, या तो फीमेल या तो मेल। न्यूटर मतलब कुछ नहीं है ना, वेरी स्मॉल लिखा हुआ है कि हिबिस्कस प्लांट जो होता है वो बहुत छोटा होता है, कुछ ऐसा है। तो आप इसका आंसर करेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। हाँ सूफिया परवीन बताई थी कि वो अफसाना है, याद आ गया मुझे। चलिए 9 का जो है वो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं ए। दीपक कुमार वालेकुम अस्सलाम, और दीपक कुमार भी लगता है कि ये लड़की है भाई, खुशी नाम है इसका, और ये नाम चेंज नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। चलिए सादान खान जो है वो आंसर कर रहे हैं ए। चलिए बच्चे, और ए इज द राइट आंसर। हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है वो बच्चे क्या होता है भाई, बाइसेक्सुअल है, हमने बताया था ना, कुछ इस तरीके का ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट होता है फ्लावर में, और इस तरीके से हमारा निकला होता है, ठीक है, और ये होता है मेल पार्ट। तो ये क्या है भाई, ये हमारा एंथर है, और ये क्या है, ये हमारा इस पूरे पोर्शन को कहलाया था कार्पेल, और ये हो गया एंथर। तो कार्पेल हमारा फीमेल पार्ट, और एंथर जो है हमारा, जिसको एंथर और जो फिलामेंट होता है उसको एक साथ बोलते हैं स्टेमेन। तो स्टेमेन इज अ मेल पार्ट और कार्पेल इज अ फीमेल पार्ट। तो ये क्या हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया बच्चे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज, अब वही हिबिस्कस के फ्लावर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और वही से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेंटर में जो पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, सेपल कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, कार्पेल्स कहते हैं, या स्टेमेन कहते हैं। अब बताइए बच्चे, अब बताइए इसको क्या कहते हैं। द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर इज, सेपल्स, पेटल, कार्पेल्स, या स्टेमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करोगे। चलिए, और खुशी बोलेंगे थैंक यू सो मच खुशी नाम लेने के लिए। भाई इतना दिमाग में मुझे रहता नहीं है ना, आप लोग नाम बोलते हो, मैं मुझे इस नाम से पुकारे हैं, लेकिन नाम आप लोग चेंज नहीं करोगे तो कितना याद रखेंगे बताओ। मुझे एक नाम बहुत बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कोस्टा खान, कोस्टा खान, वो अभी तक मतलब नहीं बताया, सेशन एंड होने से पहले मुझे उसका मतलब चाहिए। चलिए 10 का सारे बच्चे जो है वो सी आंसर कर रहे हैं, कुछ ए, किसी ने ए किया है, किसी ने डी किया है। तो भाई सी इज द राइट आंसर, कार्पेल। कार्पेल जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। देखो कार्पेल में क्या क्या आता है, कार्पेल में देखो क्या क्या आता है, कार्पेल में देखो क्या क्या आता है। ये है स्टिग्मा, ये क्या है बच्चे, स्टिग्मा, और ये क्या है, ये है स्टाइल, ये क्या है, स्टाइल, और ये क्या है बच्चे, ओवरी, ओवरी, और इसको एक साथ क्या बोला जाता है, कार्पेल, कार्पेल बोला जाता है, या बच्चे इसको पिस्टिल भी बोला जाता है, पिस्टिल भी बोला जाता है, ठीक है। अगर कहीं पर पिस्टिल आ जाए, कार्पेल नहीं दिया रहेगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पिस्टिल भी बोला जाता है, ठीक है। स्टेमेन जो है ये मेल पार्ट को बोला जाता है बच्चे, स्टेमेन जो है ये मेल पार्ट को बोला जाता है, मेल पार्ट को बोला जाएगा, और मेल पार्ट में क्या आता है, एंथर आता है, एंथर आता है, और क्या आता है, फिलामेंट आता है, फिलामेंट आता है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट इसका सी आंसर है बच्चे, इसका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड द, सीड के अंदर फ्यूचर
फ्यूचर प्लांट कंटेनिंग होता है, मतलब फ्यूचर प्लांट है भाई सीड के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉटिलेडन्स बोलेंगे, सीड कोट बोलेंगे, जर्म सेल बोलेंगे, या एम्ब्रॉयो बोलेंगे? बताइए इसका आंसर। ओके, किसको बोला जा रहा है भाई? यू आर अ ग्रेट पर्सन। सर आप ड्राइंग बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, ड्राइंग से याद आया तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब आप लोग बोलेंगे सर अपनी तारीफ कर रहे हैं, तो तारीफ नहीं, मैं एक फैक्ट बता देता हूँ, जो हकीकत है वो बताता हूँ। जब हम अलीगढ़ में थे, तो अलीगढ़ में हमेशा क्या होता है भाई, हर हॉस्टल में, हर हॉल में, एक हॉल के अंदर बहुत सारा हॉस्टल होता है, ठीक है? तो हम आरएम हॉल में थे, रॉस मसूद हॉल में हम रहते थे, और वहाँ पर हॉस्टल, चार हॉस्टल है आरएम हॉल में। तो एक हॉल में हॉल फंक्शन होता है, और हॉल फंक्शन में ड्राइंग कंपटीशन भी हुआ था, ठीक है? तो जब हम फर्स्ट ईयर में गए थे, तो फर्स्ट ईयर में ही मैंने ड्राइंग कंपटीशन में मुझे विनर का ट्रॉफी मिला था, ठीक है, हॉल फंक्शन में। तो चलो, आपने तारीफ कर दिया, तो मैंने भी थोड़ा सा और बता दिया कि और तारीफ करो, ठीक है? चलिए बच्चे, तो इसका आंसर बच्चे क्या होगा? इसका आंसर क्या कर रहे हैं आप लोग? 11 के क्या आंसर किया जा रहा है? डी। वालेकुम अस्सलाम अमानुल्ला। चलिए कोई बात नहीं, आप लेट हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से वो करें। सादान खान बोले आर एम डी ब्लॉक है, आर एम में डी ब्लॉक है, बिल्कुल है, चार हॉस्टल है, तो ए बी सी डी, और हम सी ब्लॉक में रहते थे, है ना? 4 साल मैंने सी ब्लॉक में ही गुजारा है। बिल्कुल, सना अंजुम पूछ रहे हैं कि सर आप एएमयू में पढ़े हैं? भाई बिल्कुल पढ़े हैं। चलिए, तो इसका आंसर है डी, एम्ब्रॉयो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, प्रेगनेंसी के पीरियड को, मतलब जब प्रेगनेंसी होता है फीमेल बॉडी में, तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं, उस टाइम काल को क्या बोलते हैं, उस समय काल को क्या बोलेंगे जब प्रेगनेंसी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है भाई गेस्टेशन पीरियड, है ना, इनक्यूबेशन पीरियड, ओव्यूलेशन, या मेंसुरेशन पीरियड। बताइए इसका आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए बहुत खूब सोफिया परवीन, आप भी जो हैं विनर हैं, तो कुछ ड्रॉ करके भाई हमारे लिए भेजा जाए, व्हाट्सअप किया जाए, तब हम भी आपको तारीफ करेंगे, आपका तारीफ करेंगे भाई, अप्रिशिएट करेंगे। चलिए भाई, 12 नंबर क्वेश्चन का सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। अभी तक आंसर ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ए और डी। देखिए बच्चे, कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, है ना? प्रेगनेंसी के पीरियड को पूछा जा रहा है, ये नहीं कि पीरियड के बारे में बात हो रही है। अगर सिर्फ पीरियड के बारे में बात होती तो वो हो जाता डी, मेंसुरेशन पीरियड, लेकिन प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट हो जाने के बाद उस पीरियड को क्या बोलते हैं, जब एक पूरे तरीके से जो है फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, बेबी जो होता है वो सरवाइव कर रहा होता है, बेबी जो होता है वो ग्रो कर रहा होता है, तो उस पीरियड को वहाँ से लेकर के, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, आफ्टर डेवलपिंग एम्ब्रॉयो इन इन द यूटरस, उस समय से लेकर के 9 मंथ तक जो वो बेबी ग्रो करता है ना, बेबी क्या करता है, ग्रो करता है, मदर से सारा न्यूट्रिशन लेता है, वाया प्लासेंटा, वो सब सारी चीज़ जो है वो रिप्रोडक्शन चैप्टर में है, वो कल से जो है वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का वीडियो आने लगेगा, आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होगा वो लेक्चर देख लेंगे, ठीक? तो उस पीरियड को, है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट हो जाता है यूट्रस के अंदर, तो उस टाइम से लेकर के बेबी बर्थ होने से पहले के टाइम तक को कौन सा टाइम बोलेंगे, कौन सा ऑप्शन होगा, वो चीज़ पूछी जा रही है। तो उसका अगर किसी बच्चे ने ए आंसर किया है ना, तो वो बिल्कुल सही है, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं उसको बच्चे। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। हाँ बिल्कुल आएगा, सारे फुल चैप्टर का आएगा भाई, कल से एकदम सारा चैप्टर का जो है वो वीडियो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? आप लोग घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, यानी ओवरी से जब एग का रिलीज होता है ना, ओवरी से एग का रिलीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है बच्चे आपके पास मेंसुरेशन, बी है रिप्रोडक्शन, सी है इंसिमिनेशन, और डी है ओव्यूलेशन। बताइए बच्चे, बताया जाए।
13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करो बच्चे, क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। चलिए सारे बच्चे जो है वो आंसर कर रहे हैं डी, ओव्यूलेशन, है ना, ओव्यूलेशन कहलाता है। होता क्या है बच्चे, अगर ये हमारा क्या है, अगर ये हमारा इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब का थोड़ा सा डायग्राम बता दे, यहाँ पर क्या होता है ओवरी होता है और कुछ लिगामेंट्स के जरिए ये जो है कनेक्टेड होता है यूट्रस से, ये ओवरी है और ओवरी से एग जो होता है एग रिलीज होता है ना, एग रिलीज होता है जिसको क्या बोला जाता है ओवम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है ओवम। और यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पर होता है फिम्ब्री, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिया जो होता है उसको फिम्ब्री बोलते हैं। ये जो होता है वो इंतजार कर रहा होता है कि आओ बच्चे, है ना, एग को बोला जाता है कि आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ओवरी से क्या होता है एग निकलता है ना, तो ये जो है ये जो फिम्ब्री है वो इस तरीके से उसका इंतजार कर रहा होता है और उस जैसे ही निकलता है उसको क्या कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है। तो उसको क्या किया भाई, वो इस फिम्ब्री ने, है ना, सिलिया जो यहाँ पर मौजूद है उसको इस तरीके से ले लिया और इसको, इस ओवम को, है ना, आगे क्या किया भाई, यहाँ तक, यहाँ पर जो रीजन होता है जिसको बोलते हैं एम्पुला, है ना, ये फेलोपियन ट्यूब ही है और एम्पुला रीजन में ये ओवम आ जाता है, ये ओवम आ गया। अच्छा, ओवम जो होता है ओवम अपने से मूवमेंट नहीं करता, ये हमेशा याद रखना, ओवम अपने से कभी भी मूवमेंट नहीं करेगा, उसमें पैर नहीं लगे हुए कि वो दौड़ते हुए चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक ही सेल है हमारे बॉडी में जो अपने से मूवमेंट करता है, वो होता है स्पर्म, है ना, स्पर्म होता है। ये स्पर्म का इस तरीके से डायग्राम होता है और ये जो ये टेल है ये बहुत स्पीड से इस तरीके से घूमता है और आगे की तरफ पुश करते हुए चला जाता है, ठीक है। लेकिन ओवम में इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसमें बच्चे आपको मैंने टिश्यू में पढ़ाया था कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, जो उसमें भी सीलिया मौजूद होता है, इसमें भी इस तरीके का सीलिया मौजूद है बच्चे, और वो सीलिया इस ओवम को क्या करेगा, आगे पुश करते करते एम्पुला रीजन में पहुंचा देगा और इधर से बच्चे हमारा स्पर्म भी आ जाता है एम्पुला रीजन में और यहाँ पर एम्पुला रीजन में फेलोपियन ट्यूब में ही क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। हाँ, फिम्ब्री, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, शादान खान बता रहे, बिल्कुल सही। हाँ, तो बच्चे ये चीज़ होती है और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर वो जैगोट जो होता है डिवाइड कर करके एम्ब्रॉयो बनाएगा और वो एम्ब्रॉयो यहाँ यूट्रस के दीवार से जाकर के अटैच हो जाएगा, जिसको बोलते हैं प्लांटेशन, वो आगे पढ़ाएंगे इम्प्लांटेशन जो भी है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो एग, ओवरी से एग का निकलना, ये प्रोसेस ओव्यूलेशन कहलाता है, बस इतना आप लोग इस सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगेन टू मैच्योर इज कॉल्ड, मतलब एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है जिसमें क्या होता है भाई, रिप्रोडक्टिव टिश्यू, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट वगैरह जो होता है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है, तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं, ये चीज पूछा जा रहा है। उस टाइम काल को क्या बोलते हैं, उस समय काल को क्या बोलेंगे जब क्या होगा, रिप्रोडक्टिव टिश्यू क्या हो जाएगा, मैच्योर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया हुआ है, ओवीफेशन दिया हुआ है, पुबर्टी दिया हुआ है, जर्मिनेशन दिया हुआ है, प्रोपगेशन दिया हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 14 का आंसर करो बच्चे, चलिए मैं देख रहा हूं 14 का आंसर जो है वो बी आ रहा है। बिल्कुल, मेहनत रंग लाएगा राशिद खान, बस मेहनत करें, ठीक है। हाँ, कल का सुपर 40 सेशन का जो है टॉपिक वो बता दिया जाएगा, आज नहीं बताया गया था तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन कल का बता दिया जाएगा। लेकिन कल जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर जो है वो डे में आ जाएगा, ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर देखेंगे। और हो सकता है कि इंडो इस्लामिक का भी लेक्चर कल आए, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इशू हो रहा है, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है बच्चे। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है प्यूबर्टी, है ना, प्यूबर्टी उस पीरियड को बोलते हैं जब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो होता है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है, मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन अकर इन द, ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई,
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं। फ्यूजन नहीं बोल रहे हैं, फ्यूजन बोले, फ्यूजन मतलब डिवाइड करना, फ्यूजन मतलब क्या करना, मेट मेट करना, है ना, मतलब फ्यूजन मतलब फ्यूज जुड़ जाना। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बच्चे कहाँ होगा ह्यूमन बींग्स में? अच्छा, फर्टिलाइजेशन पहली बात, ये तो होगा कहाँ, फीमेल बॉडी में। तो फीमेल बॉडी में किस हिस्से में फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, चलिए, और ऑप्शन आपके पास यूटरस है, ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब है और वजाइना है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था उसका डायग्राम ड्रॉ करके। तो सी इज द राइट आंसर, फैलोपियन ट्यूब होगा बच्चे। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब का भी तीन हिस्सा होता है, तीन पार्ट होता है, जिसको आप लोग क्वेश्चन आ सकता है बच्चे। ठीक है, इस तरीके से है, क्वेश्चन आ सकता है, तो जरा जो है आप लोग जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला, ये एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। चलो, क्वेश्चन आएगा तो आप लोग पता चले। इसको जो पहला वाला, ये जो है, इसको बोलेंगे इनफंडेबुलम। क्या बोलेंगे? इनफंडेबुलम। और ये वाला जो थोड़ा सा थीक होता है, थोड़ा सा फूला होता है, स्वेल टाइप का होता है, इसको बोला जाता है एम्पुला। क्या बोला जाता है? एम्पुला। और इसको बोला जाता है बच्चे लास्ट वाला इस्थमस। क्या बोला जाता है? इस्थमस। ठीक है, तो इसको जिसको नोट करना है वो नोट कर लेंगे, मैंने बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन अगर आया तो आप लोगों को पता चलेगा। हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाएगा फर्टिलाइजेशन किस रीजन में होता है, और ऑप्शन दे दिया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब को छोड़ के दे दिया जाएगा, इनफंडेबुलम दे दिया जाएगा, एम्पुला दे दिया जाएगा, स्थमस दे दिया जाएगा, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है बच्चे, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलोंग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस द सेक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। दैट मीन्स क्या होता है बच्चे, कहने का मतलब वास डिफरेंस जो होता है, एक रास्ता है जिसके जरिए जो है एक डक्ट है जिसमें क्या होता है स्पर्म फ्लो करता जाता है, और स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन सा ग्लैंड करेगा। न्यूट्रिशन मतलब उसको कैसे पालन पोषण कौन करेगा। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में हो जाएगा, वहां से वो एकदम डेड होके निकलता है, ऐसा नहीं कि जान है उसमें, कोई जान नहीं होता है। ठीक है, कोई मोटिलिटी नहीं होती, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होता, बिल्कुल कमजोर होता है। फिर वो जाता है वास डिफरेंस में, वहां पर उसको वहां पर भी स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, वहां पर वो भी थोड़ा बहुत उसको न्यूट्रिशन देता है, लेकिन मेनली न्यूट्रिशन कौन देगा, कौन सा ग्लैंड देगा, वो पूछा जा रहा है। कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, कुछ बी आंसर कर रहे हैं, देखते हैं भाई इसमें किसका सही है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज़ कर गए, यहाँ पर आपका थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। तो ये वाला जो ग्लैंड्स वाला जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों का ये होमवर्क है कि आज रात में आप लोग एनसीईआरटी बुक खोल करके उसको पढ़ना है। ठीक, नहीं तो कल से जो है वो वाला चैप्टर चलेगा, उसमें तो क्लियर हम कर ही देंगे। चलिए, जो जिन बच्चों ने बी आंसर किया है ना, वो बिल्कुल सही है, सेमिनल वेसिकल्स, ये क्या करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चे। ओके, और कौन है भाई, अफबान पाशा, भाई ए नहीं होगा। ठीक है, क्या है, सेमिनल वेसिकल होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एम्ब्रियो इन ह्यूमंस गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड, यानी जो एम्ब्रियो है, यानी कि ये यूटरस है बच्चे, ये यूटरस है और यहाँ पर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया है, तो मदर ब्लड से कौन सा स्पेशल टिश्यू है जो मदर ब्लड से न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है ना भाई। जब हमारे फीमेल बॉडी के अंदर एक अनदर बेबी जो है वो ग्रो कर रहा है, पल रहा है, तो उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो वो मदर ब्लड से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन किस टाइप ऑफ टिश्यू, कौन सा स्पेशल टिश्यू है, उसका नाम क्या है जो मदर ब्लड से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है बच्चे, है ना, ये पॉइंट है। तो आपके पास ऑप्शन है, प्लासेंटा है, विली है, यूटरस है, वॉम्ब है, बताइए। चलिए, 17 का क्वेश्चन जो है, 17 क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों ने कर दिया है, कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ने लिख भी दिया, प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा। तो प्लासेंटा इज अ स्पेशल टिश्यू, है ना, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो फ्रॉम मदर्स ब्लड। ओके, तो क्या होता है, यहाँ कनेक्ट होता है, इस तरीके से कनेक्ट होता है ना, उसी को हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। ओके, दैट इज द स्पेशल टिश्यू।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। इनमें से कुछ डिजीज दिए गए हैं, चार डिजीज है, पूछा जा रहा है कौन सा डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है ना, डिजीज नहीं है, यानी कि सेक्सुअली जब जब क्या होता है बच्चे इंटरकोर्स होता है तो उसके दौरान ये डिजीज, उस चीज के दौरान डिजीज जो है ये फैलती नहीं है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। एसटीडी जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो वो कौन सा नहीं है भाई। ऑप्शन आपके पास है भाई, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस है, एचआईवी एड्स है, या गोनोरिया है। ओके, और बच्चे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है हेपेटाइटिस, है ना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करो बच्चे। इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन द, अब टेस्टिस का क्या पूछ रहा है, फंक्शन पूछ रहा है भाई, क्या है भाई, प्रोसेस ऑफ मेटिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ईजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, या सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। आंसर करो बच्चे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस विच इज लाई इन द स्क्रोटम। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप सारे बच्चे इसका सही आंसर करेंगे, है ना। कभी कभी बच्चे इजी में भी फंस जाते हैं ना, हल्के में ले लेते हैं और वो गलत हो जाता है, और हम देखते हैं हमेशा, हम आप लोगों के साथ सेशन इतने दिन से कर रहे हैं, हमको तो पता है ना आप कहाँ पर कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मेल गैमेट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ओवरी क्या करता है, ओवम का फॉर्मेशन करता है, फीमेल गैमेट का। टेस्टिस को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन मेल में, और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स किसको बोलेंगे, ओवरी को बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये भी सवाल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स भाई क्या है भाई, उसका क्या फंक्शन है। डू नॉट बियर रूट्स, डू नॉट बियर बर्ड्स, आर जेनेटिकली सिमिलर, आर जेनेटिकली डिसिमिलर, बताइए इसका आंसर। वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स डू नॉट बियर रूट्स, डू नॉट बियर बर्ड्स, आर जेनेटिकली सिमिलर, आर जेनेटिकली डिसिमिलर, बताइए। आयशा खान बोलिए, प्लीज नाम लीजिए। आयशा खान नाम ले लिया मैंने आपका, और किसी का नाम लेना है क्या? चलिए सबका एक बार नाम ले लेते हैं। आयशा, तौहीद, ऋषभ, राशिद, सिराज, सादिक, प्रदीप, शागिल, खुशी, मोनिका, कैफ, फैजान अली, तौहीद खान, और कौन है भाई, अब्दुल समद, और हिमांशु है, काजमी है, नाजनीन है, रियाज है, सादिया है, कोस्टा खान है, सुल्ताना फिरदौस, तशमीन फातिमा, आयम खान, आशिफ खान, आयम खान, कोई बोलेगा खा आयम खान, माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट, इस तरह का भी नाम रख लिया करो यार। सूफिया परवीन है भाई, फैसल सईद है, अरसलान है, रॉकी है, शुभम है। चलिए सारे बच्चों का नाम ले लिया मैंने, और इसका सही आंसर बच्चे क्या है, इसका सही आर जेनेटिकली सिमिलर है ना। वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट्स जो होते हैं आर जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ से हमारा केमिस्ट्री आ जाता है बच्चे, यहाँ से केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री का जैसे कि मैंने बताया था एसिड बेस एंड सॉल्ट से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बिल्कुल, एएमयू में जब हो जाएगा तब तो गर्व से हम लेंगे ही ना, सबका नाम लेंगे, प्रॉपर तरीके से लाइव सेशन लिया जाएगा आप सभी का, है ना, आप सभी से जो है वो बात की जाएगी, ऑनलाइन पार्टी लिया जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ आज के ज़माने में ऑनलाइन हो रहा है, तो पार्टी भी ऑनलाइन हो जाएगा। हाँ, बस इसमें क्या हो जाएगा भाई, खर्चा अपना अपना हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, और यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में हम एसिड का सॉल्यूशन और बेस के सॉल्यूशन को जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, कुछ इवेंट दिया हुआ है यहाँ पर। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए है 1 एंड 4, बी है 1 एंड 2, सी है 2 ओनली, और डी है 2 एंड 4, बताइए इसका आंसर। चलिए, और सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं डी।
हाँ कभी कभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी पसीना छुड़ा देता है ना। तो भाई क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है तो क्या दिक्कत है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन। और ये तुम्हारे चैप्टर में से है, चैप्टर आपने पढ़ा है उसी का क्वेश्चन दे रहे हैं। डी इज द राइट आंसर, 2 एंड 3। ओके दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। रेड में रेड जो है वो खत्म हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर, 2 एंड 4। तो 2 में क्या है बच्चे, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, इंक्रीज करेगा, और क्या है सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनमें से कौन सा सॉल्ट है भाई जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। ब्लू विट्रॉल है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, जिप्सम है, आंसर करो बच्चे। सादिया परवीन सर बिल ब्लर दिख रहा है, अच्छा लिख दें क्या, ये वाला क्वेश्चन सही दिख रहा होगा। चश्मा लगा के बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा गलती हो गया, मैंने कलर गलत चूज कर लिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहेगा। बी इज द राइट आंसर, बेकिंग सोडा। कोई बच्चे बोले जामिया में आया है क्वेश्चन, बिल्कुल आया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, और जामिया आने से पहले मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, बताइए। वाटर एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर एसिटिक एसिड, बताइए भाई। ट्वेंटी थ्री का बताओ बच्चों, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। ए क्यों बोल रहे हैं भाई, अच्छा बी क्यों बोला जा रहा है भाई। स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो है उसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो वाटर है उससे ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, एसिटिक एसिड है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सबसे ज़्यादा होगा, तो ये ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ए हमारा सही है, ए सही है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिंक का रिएक्शन किया जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड तो फिर क्या बनेगा, है ना, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑप्शन क्या है, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड एंड सोडियम, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, या सोडियम जिंकेट एंड वाटर। 24 का आंसर करोगे बच्चे, शादिक रहमान आंसर कर रहे हैं बी, कैफ खान का भी बी है, सादिया का ए, शागिल का बी, आसिफ खान सी है, फातिमा खालिद का बी है, हिमांशु बी, फहीम बी, सुल्ताना, फिरदौस, कैफ, मुबशिरुल काजमी, चलिए सारे बच्चे जो हैं बी कर रहे हैं। और कौन है भाई, अलकुमा शमीम ए आंसर कर रहे हैं। देखो बच्चे बी इज द राइट आंसर, मैंने ये वाला याद करने के लिए बोला था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो बच्चे सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर। ओके बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, यानी टोमेटो में कौन सा एसिड होगा बच्चे। हम लोग जानते हैं कि टोमेटो जो है वो प्लांट से ऑब्टेन किया जा रहा है, तो जो प्लांट जो एसिड प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उसको कौन सा एसिड बच्चे बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है भाई जो टमाटर में पाया जाता है, बताइए इसका आंसर। ट्वेंटी फाइव का आंसर करो बच्चे, चलिए बहुत इजी है ये, क्या है ऑक्जैलिक एसिड है। आप लोग को याद करना होगा कि कौन कौन सा ऑर्गेनिक एसिड किस किस फ्रूट से या किस किस वेजिटेबल से निकलता है, तो वो आप लोगों को याद रखना है। ब्राइन इज एन, ब्राइन क्या होता है बच्चे, ऑप्शन आपके सामने है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और सी है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट, बताओ बच्चे ब्राइन, व्हाट इज ब्राइन।
26 का आंसर करो। व्हाट इज ब्राइन? चलिए, और सारे बच्चे आंसर करना शुरू कर दिए हैं। और सी इज द राइट आंसर, हमने बताया था नमक वाला पानी, NaCl+H2O, इट इज़ अ ब्राइन, है ना, ये होता है ब्राइन। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन यानी उसमें पानी मिला हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड में पानी मिला हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Na2CO3.10H2O इज, ये किसका फॉर्मूला है बच्चे? ऑप्शन है आपके सामने, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और टर्टरिक एसिड। चलिए बताइए इसका आंसर करो बच्चे, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर करोगे? चलिए ठीक है बच्चे, इसका सही आंसर वॉशिंग सोडा है, फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है। एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस? जिप्सम को कितने टेम्परेचर पर हीट करेंगे तब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन करेगा? 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, बताइए इसका आंसर। 28 का बताइए आंसर, 28 का सारे बच्चे आंसर करो बच्चे, पानी पी लेते हैं हम जरा। सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं बी, 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बच्चे, इसमें क्या है, कहीं कहीं पर 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और कहीं कहीं पर 120 डिग्री सेल्सियस भी दिया गया है। ठीक है, ये दो चीज़ें। ठीक है, तो इसको जरा कन्फ्यूजन में ही रखना है। ओके, अगर ये आता है तो भाई उसके मन के मुताबिक है, कहीं कहीं पर 100 डिग्री सेल्सियस भी है, कहीं कहीं पर 120 डिग्री सेल्सियस भी है। मैंने भी चेक करा हर जगह, कहीं पर 100 डिग्री दिया हुआ है तो कहीं पर क्या दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको स्किप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे बच्चे? 5, 10, 7 और 2। हाँ, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस ही टिक करना, ठीक है? जो बच्चे बोलेंगे 120 भी होगा ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता ये क्वेश्चन तो आप 100 डिग्री सेल्सियस ही टिक करेंगे। चलिए इसका बताइए, अब 29 का बताएंगे आप सारे बच्चे। चलिए भैया और बहना यहाँ पर ध्यान दें और सवाल का आंसर करें। और इसका सही जवाब है बच्चे,
टू है ना, टू वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत दिनों से कराते आ रहे हैं, आप लोग को सारा क्वेश्चन दिमाग में डाल देंगे, सारा क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएगा समझने के साथ साथ, है ना। ऐसा नहीं कि कोई अगर कोई और जो है टीचर वीडियो देखे और वो बोले कि ये यार ये टीचर तो सारा क्वेश्चन रटवा रहा है, तो रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम क्या करवा रहे हैं भाई, आप लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये रटवा नहीं रहे, ठीक है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है उतना ज़्यादा आप लोगों को याद भी होगा, समझ भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट ऑफ सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक सॉल्ट है, किसकी वजह से, क्यों है भाई, ये वाला भी टॉपिक है जो है एसिड बेस सॉल्ट में मैंने बताया है कि कौन सा सॉल्ट कैसा होगा, तो मतलब कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक होगा, वो सारा वाला कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है भाई, क्यों होता है बेसिक सॉल्ट, ऑप्शन है बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस, या वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस, बताइए इसका आंसर, बताइए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का सारे बच्चे जो है आंसर कर रहे हैं डी, चलिए भाई डी सही है, वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस, ओके। जो बच्चे अगर एसिड बेस नहीं देखे तो वाला चैप्टर रखा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। 31 का आंसर करो बच्चे, अल्कलीज आर, अल्कली क्या होता है भाई, एसिड विच आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बेसेज विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, या बेसेज विच आर सॉल्युबल इन वाटर। 31 का आंसर करो, 31 का आंसर करो सारे बच्चे, अल्कली किसे कहते हैं, चलिए क्या होता है भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बेस होता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है, वैसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ अ बेस, यानी एसिड और बेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है बच्चे, उसको देख लेंगे आप लोग। हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, हायर द पीएच वीकर द एसिड, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, लोअर द पीएच वीकर द बेस, बताइए इसका आंसर। थर्टी टू का आंसर करो, अमित शाह बोले कि शिक्षक मेरा नाम ले लो, बहुत बढ़िया, ले लिया भाई अमित शाह आपका नाम ले लिया मैंने, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया नाम लेने के लिए, शिक्षक मेरा नाम लो, बहुत खूब, एक से एक क्रिएटिव बच्चे हैं यहाँ पर। डी इज द राइट आंसर, 2 एंड 4, 2 एंड 4 क्या है, 2 में हायर द पीएच वीकर द एसिड, लोअर द पीएच वीकर द बेस, ठीक है। 2 एंड 4 इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव, जब लाइम वाटर को क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या देगा वो, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, या वॉशिंग सोडा, बताइए। कोई बात नहीं सूफिया, बता दिया मैंने, डी ही होगा उसका। 33 का आंसर करो, लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉट।
ए इज द राइट आंसर, ब्लीचिंग पाउडर होगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, कौन सा एसिड होगा नेटल स्टिंग में? अच्छा मेटिवेनोइक एसिड, अच्छा ये मेथनोइक है। एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या टर्टेरिक एसिड, बताइए इसका आंसर। नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, मेथनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या टर्टेरिक एसिड? थर्टी फोर का आंसर करेंगे सारे बच्चे। अच्छा चलिए भाई, मेथनोइक एसिड है ना, मेथनोइक एसिड है। ए इज द राइट आंसर, ये वाला राइट आंसर, ये स्पेलिंग में गलती हो गया था, एरर हो गया था, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टूथ इनामेल इज अ मेड अप ऑफ, टूथ का जो इनामेल होता है, इनामेल क्या, अपर सरफेस ऑफ टूथ, किसका बना होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम फॉस्फेट, बी है कैल्शियम कार्बोनेट, सी है कैल्शियम ऑक्साइड, डी है हमारा पोटेशियम, बताइए। हाँ एंट में भी होता है, बिल्कुल होता है। आज के क्लास में मज़ा आ रहा है राशिद हुसैन, मज़े से पढ़ोगे तो हर चीज़ में मज़ा आएगा, पढ़ाई को अगर बर्डन समझ के पढ़ोगे तो फिर हावी हो जाएगा, है ना। अगर मज़ा लाना है तो चैप्टर बार बार रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन करो, फिर देखो कितना मज़ा आता है। क्वेश्चन बनता है तो बहुत मज़ा आता है, क्वेश्चन जहाँ अटकता है ना तो फिर मज़ा जो है वो सजा में बदल जाती है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का पीएच रेंज क्या है ना। ऑप्शन ए आपके सामने है 7 से 7.8, 7.2 से 8.0, 7.0 से 8.4 और 7.2 से 8.4, बताइए इसका आंसर। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी? ठीक है भाई, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स, बारिश को कब एसिड रेन बोलेंगे, कब बोलेंगे भाई? जब इसका पीएच जो है वो 7 से कम हो जाएगा, या 6 से कम होगा, या 5.6 से कम होगा, या 7 से कम होगा, बताइए। 37 का आंसर करेंगे। हाँ सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड भी तो कराना है ना, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार सुपर 40 सेशन में एसिड बेस करा दिया, रिप्रोडक्शन करा दिया तो आगे नहीं कराऊंगा, आगे कराऊंगा और अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन लाऊंगा। हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन छोड़ देंगे, ईजी है तो वो छोड़ देंगे, ईजी ही कभी कभी परेशान कर देता है बच्चों को, है ना। और जब घर आता है देखता है, अरे भाई इतना ईजी क्वेश्चन हम गलत करके आ गए। तो हर क्वेश्चन को करना है हम लोगों को, 1600 क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सी बोला जा रहा है, बहुत सारे बच्चे सी, अच्छा सी, भाई एक सेकेंड, जरा एक सेकेंड, थोड़ा सा जो है वो आप लोग
एक मिनट जो है वो इंतज़ार करने की ज़हमत उठाएंगे, ठीक है। चलिए हो गया भाई, फिक्स हो गया। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है बीच में, मैनेज करना पड़ता है। क्या कौन सवाल था भाई? रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स, अच्छा तो क्या होगा इसका पीएच एसिड रेन का? अच्छा सारे बच्चे सी आंसर कर रहे हैं और सी इज द राइट आंसर। पीएच जो होगा वो 5.6 से नीचे घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई? वीक बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बताइए इसका आंसर। हाँ किसी ने मैसेज किया कुछ क्रश को लेकर के। भाई क्रश क्रश को छोड़ो, क्रैश कोर्स पे ध्यान दो, नहीं तो फिर क्रैश कर जाओगे, ठीक है। वो सब चीज़ जो है वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए सी इज द राइट आंसर, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कलर चेंजेस टू, जब कॉपर ऑक्साइड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो कलर चेंज हो जाएगा भाई, किस में चेंज हो जाएगा? वाइट हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। हाँ शागिल को बताएंगे, कल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आंसर करो बच्चे। When copper oxide and dilute hydrochloric acid react, color changes to white, bluish green, blue black या black। चलिए इसका सही आंसर बच्चे क्या होने वाला है? ब्लूइश ग्रीन। जिन बच्चों ने बी आंसर किया है वो सही किया है उन्होंने, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड किस लिए यूज करते हैं भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज एन एंटासिड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, एज अ क्लीनिजिंग एजेंट इन अल्कलाइन बैटरीज, बताइए भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल। ओके सारे बच्चे जो है आंसर आ गया, दैट इज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप है ना, सोप के फॉर्मेशन के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ हमारा हो गया Day 7 कंप्लीट, और Day 7 कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अब तक? कितना हो गया भाई? ज़रा मल्टीप्लाई करो ज़रा, 7 × 40 दैट इज़ 280 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अब तक। कल जो है कल से लेक्चर आना शुरू हो जाएगा, वीडियो लेक्चर हमारा थ्योरी पोर्शन का।
कल हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का आएगा, इंडो इस्लामिक का आएगा, है ना, कल से लेक्चर भी आएगा और शाम में हमारा ये लाइव सेशन जो है सुपर 40 सेशन ये भी रहेगा। 280 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बच्चे, तो अब जाएं जरा खाना पीना जो है वो करें और उसके बाद इस ये दो चैप्टर एक बार एनसीईआरटी बुक खोल करके रिवाइज कर लें, जो तरीका होता है, जो प्रिपरेशन करने का तरीका है, उसके बाद आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, है ना। बिल्कुल होगी, क्लास होगी, बता दिया जाएगा सारा टाइम आप लोगों को, सुबह से पता चल जाएगा, अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हाँ लेक्चर ज़रूर आएगा ये मैंने बता दिया, ठीक है। ओके चलिए भाई, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ जो है बच्चे एक बार जाकर लाइक करो, सब जरा लाइक ठोको जा करके, है ना, लाइक ठोका जाए। मीम वगैरह में मैंने देखा था किसी ने लाइक बहुत ज़बरदस्त ठोका था, उस तरीके से नहीं ठोकना है, आराम से ठोकना है, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब भी तो होना ज़रूरी है ना। और यहाँ तक जो है हम लोग पहुँचे हैं, एजुकेशन अड्डा टीम पहुँची है, एजुकेशन अड्डा फैमिली पहुँची है, तो ये सब सब्सक्राइबर्स के बदौलत हुआ है, तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और सेशन कंप्लीट जैसे एंड करेंगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर एक बार अपना अपना फीडबैक दे देंगे कि ये सुपर 40 सेशन किस तरीके से आप लोगों के लिए हो रहा है, कितना हेल्पफुल रहा है, ठीक है। तो आज का डे 7 जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बच्चे, ओके, और यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है। थैंक यू सो मच।